पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर भी करेंगे चर्चा, और उसके बाद दोपहर में बांग्लादेश से आए प्रवासी हिंदुओं यानी कि मतुआ समुदाय के लोगों के साथ अमित शाह खाना खाएंगे और उसके बाद करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों के घर खाना खाया था और आज मतुआ समुदाय जो कि बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे अमित शाह, और इस सब के बीच उनके साथ खाना भी खाएंगे तो वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तस्वीर हम लगातार आपको दक्षिणेश्वर काली मंदिर की दिखा रहे जब से जहां अब से कुछ ही देर में अमित शाह यहां पहुंचेंगे। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में अक्सर अमित शाह जब भी पहुंचते हैं कोलकाता वहां दर्शन के लिए जरूर जाते हैं, और यही कुछ इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पहुंचते हैं। खासा महत्व है दोनों की नजर में इस मंदिर को लेकर, धार्मिक आस्था भी, और इस सब के बीच सीधे रुख कर लेते हैं। आशिका सिंह हमारी सहयोगी लगातार वहां से अपडेट दे रही है। आशिका, आपकी अपडेट, कितनी देर में अमित शाह वहां पहुंच रहे हैं? जी देखिए, यूं तो तय कार्यक्रम के तहत 10:10 पर उन्हें यहाँ पहुँचना था, लेकिन थोड़ा देर हो रही है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह पहुँच जाएंगे, तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप तस्वीरों में भाजपा के नेताओं को देख सकती हैं कि अंतिम मिनट की जो तैयारी है उसको जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ पर कारपेट बिछ चुका है, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं, यहाँ तक कि मंदिर के छत पर भी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं। विशेष तौर से स्वागत की तैयारी की गई है अमित शाह के लिए मंदिर के प्रांगण में। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे, शंख की ध्वनि, उलूक ध्वनि के साथ उनका स्वागत होगा। बंगाल की जो परंपरा है, कुछ भी शुभ होता है तो यही तरीका है उसको और भी शुभ बनाने का, इस तरह से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अंदर मंदिर में जाकर के करीब 10-15 मिनट वहाँ पर रहेंगे, विशेष पूजा होगी। अंदर ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कमरा है, वहाँ पर भी जाकर थोड़ा समय ध्यानस्थ होंगे अमित शाह। जैसा कि आपने भी बताया, जब भी कोलकाता आते हैं, कहीं जाए ना जाए यहाँ पर ज़रूर आते हैं, तो चुनावी शंखनाद करने जब भी अमित शाह यहाँ पर आए हैं तब उनका स्वागत यहाँ भी महिलाएं शंख बजाकर करेंगी, शंखनाद के साथ करेंगी। और इस जो विशेष तौर पर ये यात्रा है, चुनावी यात्रा इसे कह सकते हैं, चुनाव की शुरुआत है, बंगाल अब पूरी तरह से फोकस में है बीजेपी के, ऐसे में इस यात्रा के दौरान दक्षिणेश्वर आना, चाहे फिर आध्यात्मिक जो है वो तार हो या फिर यहाँ पर धार्मिक जो रुचि है लोगों की, तार है, उनको लग रही है क्या वहाँ पर? साथ छूने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये अंतिम मिनट की तैयारी है। ये महिला मोर्चा की सदस्य हैं जो हाथों में शंख लेकर पारंपरिक यहाँ की जो बंगाल की का लिबास है, लाल पाड़ की साड़ी पहनकर स्वागत के लिए तैयार हो रही हैं। अब से कुछ ही मिनटों में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे। महिला ठीक है, आशिका लौटेंगे, हम आपके पास अभी लौट रहे हैं। उससे पहले ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में ममता सरकार का जाना तय है। मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ आने का क्या क्या मकसद रहा? देखिए, बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है, और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग बंगाल में, मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो, तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो सकता है वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती है, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था वहां पर बहुत गोताही यहां दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है।
जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, दो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगा कर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करें और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। और इस बीच आपको बता दें, अमित शाह के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन आलू और प्याज के बढ़े दामों को कौन देखेगा। ममता ने दावा किया कि वो इस मामले में पीएम को चिट्ठी लिखकर आलू प्याज का कंट्रोल राज्यों को देने या फिर उनके दाम कम करने की मांग करेंगे। तो आलू का भाव इतना बड़ा कौन उकड़ेगा आप लोगों को, प्याज का भाव इतना बड़ा कौन देखेगा। एसएनजीएल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा। चावल का साथ आलू भी थोड़ा खाएगा तो कैसे खाएगा। चावल आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा तो कौन किसको फेंकेगा। हमारे रिक्वेस्ट होच्छे आमरा आजके এই রিভিউ মিটিং থেকে আমি একটা চিঠি দেবো ভেবেছি। আমি চিফ সেক্রেটারিকে অনুরোধ করবো এগ্রিকালচার মার্কেটিং এর সাথে কথা বলে আমার নামে একটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে চিঠি যাবে। तो ये ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। आशिका, लगातार वहां से जो भी अपडेट या हलचल हो आप हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल, जिस तरीके का हमला ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है, टीएमसी खुद कितनी तैयार है चुनावों के लिहाज से, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सरकार की, क्योंकि सवाल भी सरकार से ही पूछा जाएगा, चुनाव के लिए कितनी तैयार टीएमसी फिलहाल दिख रही है। जी देखिए, टीएमसी की बात करें तो पिछले एक साल से ये कहा जा सकता है कि जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको लाना, ये अभिषेक बनर्जी की तरफ से, उनकी तरफ से ये चुनाव की तैयारी की शुरुआत कर दी गई थी। कई अभियान ऐसे किए गए हैं, चाहे दीदी के बोलो, चाहे बंगला गौरवो ममता, जिसके ज़रिए लोगों से जुड़ने की कोशिश की गई है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई है। तो टीएमसी चुनाव के मोड में पहले से रही है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ममता की ये कह सकते हैं कि हलचल या फिर जो उनकी घबराहट है वो बढ़ने लगी। अपने किले को जो ठहरा है उसको बचाने की कोशिश है पूरी तरह से, और बीजेपी भी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक चुकी है। जो भी नेता हैं, जो भी हैं, वो सभी सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटा मुद्दा हो, चाहे कहीं किसी भी अपराध की घटना हो या राजनीतिक हिंसा की घटना हो, सब कुछ लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं बीजेपी के जो नेता हैं। इस बीच में आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा दूँ, महिला मोर्चा ने कैसे ये स्वागत की तैयारी की है। गृहमंत्री अमित शाह आपसे थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनका विशेष तौर पर यहाँ पर स्वागत करेंगी ये महिलाएं जो पारंपरिक लिबास में यहाँ पर हैं। अग्निमित्रा पॉल जो कि महिला मोर्चा की नेता हैं वो स्वागत करेंगी गृहमंत्री अमित शाह का। पार्टी के दूसरे नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम की बात करें तो बिल्कुल चप्पा चप्पा कोना कोना जो है वहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, मंदिर के छत पर भी मौजूद हैं। और इस पुख्ता सुरक्षा के इंतज़ाम के बीच अमित शाह अब किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। विशेष तौर पर महापूजा की तैयारी है जो अमित शाह के लिए की जाएगी। और इसके अलावा अमित शाह जो है मंदिर में थोड़ा देर बैठेंगे, पूजा करेंगे और इसके बाद मंदिर प्रांगण में ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो कमरा है वहाँ भी थोड़ा समय बिताएंगे। तो अब से थोड़ी ही देर में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे। आज दौरे का दूसरा दिन है, दिन की शुरुआत मंदिर से हो रही है, आगे फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, सम्मेलन होगा।
और आज जब आप आज जब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी उस पर भी आशिका आपके साथ हम बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें भी लगातार आशिका दिखा रही हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर से कि किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए। अमित शाह बस किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं और ये अंतिम क्षण की तैयारी आपके सामने, जहां बीजेपी की महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है वो पारंपरिक लिबास में नजर आ रही है और यहीं से शंख के उद्घोष के साथ, शंख ध्वनि के उद्घोष के साथ यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। अमित शाह यहाँ दर्शन करेंगे और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे भी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन की बीजेपी की मांग पर अमित शाह ने कहा है कि ये फैसला संविधान के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और उनके परिवार की नहीं सुनी जा रही है, उस हिसाब से पार्टी की राष्ट्रपति शासन की मांग जायज है। तो लगातार बीजेपी मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और उस पर जब अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, उनके परिवार वालों की ममता सरकार नहीं सुन रही है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन की बीजेपी की मांग जायज है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के हिसाब से ही ये फैसला लिया जाता है। बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। बिहार के बाद बीजेपी आलाकमान की नजर कहां पर होगी, साफ हो गया है बांकुरा मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ माने का क्या क्या मकसद रहा? देखिए बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग। बंगाल में मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो, तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो सकता है वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती है, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था वहां पर बहुत गोताही यहां दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगा कर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। जब आप खाना खा रहे थे पत्ते पर आपने भोजन किया, उनके घर में जाकर भोजन किया, जब आप हाथ मुंह धोने जा रहे थे साफ करने तो बुजुर्ग महिला ने आपका चेहरा साफ किया, तो ये प्यार जनता का जो है क्या भविष्य में क्या ये बर्दाश्त होगा यहाँ की राज्य सरकार को या बीजेपी या फिर आप कुछ रिपरकशन देख रहे हैं आने वाले दिनों? देखिए व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए बहुत बड़ी क्षण थी। एक बुजुर्ग महिला ने, एक बच्ची ने मेरा मुंह एक तौलिया लेकर पोंछ कर दिया और प्यार से आशीर्वाद भी दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है व्यक्तिगत रूप से। परंतु जहाँ तक उसके राजनीतिक मायने देखते हैं तो जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी श्रद्धा बन चुकी है बंगाल की जनता में, इसका यह परिचायक है। और मैं मानता हूँ इसको इलेक्शन की राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए, परंतु इलेक्शन का परिणाम तो जनता का मूड ही तय करता है। यहाँ जनता का मूड क्या बन चुका है ये इससे मालूम पड़ता है। मटुआ समाज के लोगों के साथ भी आप भोजन करेंगे, ये समुदाय काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा है, लेकिन ये सब सुनने के बाद ममता दीदी काफ़ी हरकत में आ गई है। उन्होंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं मटुआ समाज की, उनको पूरी तरह से उन्होंने रिसेटल किया है, वो आदिवासियों की ज़मीन के पट्टे देने की बात करने लगी हैं। तो आपको लगता है कि आप लोगों को निगेट करने के लिए उन्होंने एक्शन फिर शुरू कर दिया?
देखिए, अगर इतनी बड़ी शुभचिंतक ही थी तो अब क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर बहुत कुछ किया है तो बोलने की जरूरत नहीं, मतवा समाज जानता होगा। खैर, अच्छा है, अभी भी चिंता करे, 5-6 महीना बाकी है, बाद में जाना ही है, जितना बन पड़े उतनी चिंता करे, हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई, सबका भला होगा। परंतु मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से 70 साल से मतवा समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका परिमार्जन भी करेगी और उनको सम्मान भी दिलाएगी। नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर वगैरह जो है यहाँ लागू करने का बीजेपी सरकार, मतवा समाज की समस्या नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर नहीं है, उनकी समस्या सिटीजनशिप है। और ये तो हमने 2017 में ही उनको परमानेंट लंबे समय तक रहने के लिए यहाँ व्यवस्था दी है, और अब सिटीजनशिप एक्ट भी पारित हुआ है। अमित भाई, राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल जाना जानता है, केरल से भी ज़्यादा राजनीतिक हिंसा हो रही है। मुगलदा यहाँ बैठे हैं, कैलाश जी आपके साथ लगातार घूम रहे हैं, लगातार ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं कि उसके बिना यहाँ चुनाव संभव ही नहीं है। क्या कहना, आप तो गृह मंत्री हैं देश के। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना, राज्यपाल की रिपोर्ट, संविधान की धाराएँ और संविधान का स्पिरिट, ये सबको मिलकर तय होता है। ये कोई मैं सार्वजनिक इंटरव्यू के अंदर कह नहीं सकता, परंतु जो बंगाल भारतीय जनता पार्टी की मांग है, वो एक प्रकार से जो स्थिति का बंगाल भारतीय जनता पार्टी वर्णन कर रही है वो सही है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ना इन्वेस्टिगेशन होता है ना अरेस्ट होते हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। कल मैं एयरपोर्ट पर एक परिवार को मिला, हमारे कार्यकर्ता का, अपने परिवार के बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए बाप ने हाईकोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे की हत्या हुई, पुलिस पोस्टमार्टम नहीं कर रही है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, जहां स्वागत हो रहा है अमित शाह का। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से, और अब स्वागत करते हुए उनके माथे पर तिलक लगाते हुए जो है आज यहां पर विशेष तौर पर पूजा करेंगे। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे कोलकाता से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता जो कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, वो स्वागत में खड़ी हुई हैं। अमित शाह यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, यहां पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले उनका जोरदार स्वागत, अमित शाह को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। और अब बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के साथ आगे बढ़ते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था से जोड़कर तो देखा जा ही रहा है, लेकिन साथ ही धार्मिक तौर पर भी एक बड़ा संदेश लगातार ममता सरकार, हालांकि ये कहती रही है, आप विरोधी भी लगातार ये कहते रहे हैं कि मंदिर मंदिर घूमकर कहीं ना कहीं बीजेपी सियासत करती रही है, लेकिन इस सबके बीच ये आस्था का विषय है, ये बीजेपी लगातार दोहराती रही है, क्योंकि जब जब कोलकाता पहुंचते प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह इस मंदिर में दर्शन करना नहीं भूलते। इस मंदिर की खासा महत्व है, कई मान्यताएं हैं, और इस सबके बीच पहुंचे हैं अमित शाह एक बार फिर से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करने के लिए, जहां वो कुछ देर रुकेंगे, पहले पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कुछ देर मंदिर में रुकेंगे, फिर आगे कई कार्यक्रम हैं उनके, लेकिन इस मंदिर में भी जबरदस्त तरीके से तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम को लेकर बताया जा रहा है कि अमित शाह यहां पहले दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां तमाम तैयारियां की गई थी। अमित शाह जिनका 2 दिवसीय दौरा है और अगले साल चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, और इस लिहाज से यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कल जिस तरीके से अमित शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के साथ दौरे की शुरुआत की थी, उसके बाद अब एक और धार्मिक कार्यक्रम। आप आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है, आशिका बताइए अब आगे किस किस तरीके से कार्यक्रम, अभी फिलहाल अमित शाह किस ओर आगे बढ़ते हुए, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपको बताऊं कि गृहमंत्री अमित शाह अभी अभी यहाँ से अंदर गए हैं, मंदिर प्रांगण के भीतर घुसते ही शंख ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया गया है। महिला मोर्चा की तरफ से उनको तिलक लगा करके अग्निमित्रा पॉल जो कि महिला मोर्चा की नेता है, उन्होंने स्वागत किया। इस समय मंदिर के अंदर गृहमंत्री हैं और वहाँ पर जा करके विशेष तौर पर महापूजा होगी, जिसमें सम्मिलित होंगे, गर्भगृह के अंदर बैठ करके वहाँ पर पूजा करेंगे काली माँ की, और वहाँ से निकल करके मंदिर के प्रांगण के अंदर
स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव का जो कमरा है वहाँ भी थोड़ी देर बैठेंगे, ध्यानस्थ होंगे, और इसके बाद यहाँ से जब निकलेंगे तो अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन है, दिन भर मैराथन मीटिंग्स हैं, क्या तैयारी है चुनाव के लिए इसका जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं में दमखम फूकेंगे, नेताओं को तैयारी देखेंगे, उनको आगे चुनाव की रणनीति जो है उनके साथ बैठ करके तय करेंगे। साथ ही इसके मतुआ संप्रदाय जो कि बहुत ही खास माना जाता है, मतुआ संप्रदाय के साथ आज वहाँ पर दोपहर का भोजन है। जैसे कि कल यहाँ पर आकर के आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच उन्होंने उनके घर जाकर के भोजन किया, आज मतुआ संप्रदाय के साथ भोजन कर रहे हैं। मतुआ संप्रदाय वो है संप्रदाय है जो कि बांग्लादेश से आई हिंदू माइनॉरिटी है, जिनको काफ़ी समय तक यहाँ पर जो है वो अधिकार नहीं मिले थे। और शुरू से ही जैसे ही सीए की बात की, बीजेपी के तरफ जो है बीजेपी को पूरा समर्थन देने की बात मतुआ संप्रदाय की तरफ से की गई थी। और आज बल्कि जबकि मतुआ संप्रदाय में दो फाड़ है, एक गुट हालांकि टीएमसी का समर्थन भी करता है, तो ये एक मुख्य भूमिका निभाएगी क्योंकि एक एससी भी हैं, ये शेड्यूल कास्ट से भी हैं जो मतुआ हैं, तो न सिर्फ ये बांग्लादेशी शरणार्थी हैं बल्कि दलित भी हैं, तो ये एक साथ में दो कार्ड है जो कि एक तीर से दो निशाने कहे जा सकते हैं अमित शाह के। विशेष तौर पर आज दोपहर का जो भोजन है वो बहुत ही खास रहने वाला है, और अमित शाह की तैयारी के लिए तरह तरह के जो पारंपरिक बांग्ला भोजन है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। कल भी देखा गया था कि खास तौर पर उनके लिए भोजन बनाया गया था, तो बंगाल की जो थाली है वो सज चुकी है अमित शाह के लिए। और आने वाला चुनाव जो है वो विशेष होगा, उसमें देखना है कि क्या जो है वो रसगुल्ले मिलते हैं कि नहीं, जो जीत के रसगुल्ले हैं वो बीजेपी को। तैयारी पूरी तरह से बीजेपी की है, और साथ ही टीएमसी की तरफ से भी जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे हैं तब से मुखालफत शुरू है। ममता भी आक्रामक हैं, टीएमसी के नेता भी आक्रामक हैं। बिल्कुल, और इस सियासत के बीच ये तस्वीरें सीधे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आशिका लगातार दिखा रही हैं। आशिका जरा बताइए तो, क्योंकि आप भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर गई होंगी, पूजा अर्चना अब किस तरीके से दक्षिणेश्वर काली मंदिर में होती है? मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। मंदिर जो है ये गंगा के तट पर स्थित है, लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। रानी राशमणि ने इसकी स्थापना की थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद यहीं पर माँ काली की आराधना किया करते थे। ये विशेष तौर पर इसका महत्व है, अंदर काली माँ की प्राचीन मूर्ति है, और इसके अलावा 12 शिवलिंग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उनके नाम से या उनके तर्ज पर बनी है। और हर तरफ जो है वो शिवलिंग है, गंगा के किनारे और बीच में काली माँ का मंदिर है। काली माँ के दर्शन करने के बाद शिव जी का आशीर्वाद लेंगे अमित शाह। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कमरा है, जो भी आता है आध्यात्मिक स्तर पर जो भी यहाँ पर आता है, खिंचाव से आता है, वो ज़रूर उस कमरे में बैठ कर के ध्यानस्थ होता है। वहाँ पर वो चीज़ें रखी गई हैं जो जिनका इस्तेमाल किया करते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, उनका बिस्तर है, शारदा माँ की चीज़ें हैं, तो आध्यात्मिक खिंचाव है ये जो हर बार अमित शाह को यहाँ पर ले आता है। न सिर्फ अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भी आते हैं इस दर पर जो है अपना सिर ज़रूर आकर के नवाते हैं, ज़रूर दर्शन करते हैं। ये जगह दोनों के लिए ही बहुत ही खास है गायत्री। बिल्कुल, तो दोनों के लिए जगह बहुत खास। और आशिका ये बता रही कि 200 साल पुराना ये मंदिर है जहां अमित शाह पहुंचेंगे, और इससे पहुंचे हैं जहां वो इससे पहले भी पहुंचते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जब जब कोलकाता का रुख करते हैं तो इस मंदिर में दर्शन करना नहीं भूलते। 200 साल पुराने इस मंदिर की खासियत आशिका लगातार बता रही है, ये कहते हुए कि 12 शिवलिंग है यहाँ पर, और भगवान शिव की प्रतिमा भी, जहाँ पहले काली माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद भगवान शिव के भी दर्शन करेंगे अमित शाह। इसके अलावा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कमरे में भी जाएंगे और वहां पर भी कुछ देर के लिए ध्यानस्थ होंगे। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह जो पूजा अर्चना के लिए यहां पहुंचे हैं। धार्मिक आस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये मंदिर, और इसी कड़ी में अमित शाह यहां पहुंचते हुए। आशिका, कुछ और खासियत
अभी कहां तक पहुंचे अमित शाह, अब आगे का क्या कार्यक्रम और कितनी देर तक मंदिर में रुकेंगे? मैं तस्वीरें दिखाते हुए आपसे बात करूंगी। मंदिर का जो शिखर है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और खासियत की बात करें सबसे खास यही है, स्वामी विवेकानंद जिनकी बातें अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं, गृहमंत्री अमित शाह करते हैं, उनके कही हुई बातों को दोहराते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं, वो यहाँ पर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव यहाँ रहे हैं। बहुत ही मान्यता है, प्राचीन मंदिर है और ये कहा जाता रहा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव इसी मंदिर में माँ की पूजा करते थे, उनसे बात करते थे। ये भी कहते हैं कि एक बार शारदा माँ, जबकि वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुँची थी, चुपके से उन्होंने दरवाजे की फाड़ में से भीतर झाँक कर देखा, जब बहुत देर तक अंदर रामकृष्ण परमहंस देव वहाँ थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, तो वो जो तस्वीर उन्होंने देखी वो देखकर स्तब्ध रह गई थी। अंदर उनको ये देखने को मिला कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के हाथ से स्वयं जो है वो काली माँ भोजन ग्रहण कर रही हैं, तो ऐसी मान्यता यहाँ पर है कि रामकृष्ण परमहंस। ठीक है आशिका, इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आप लगातार इस पूरे दौरे को कवर भी कर रहे हैं, लेकिन जरा बताइए कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कई खासियत आशिका ने भी गिनाई, लेकिन जो धार्मिक संस्कृति है इस मंदिर से जुड़ी और जो आइडियोलॉजी है रामकृष्ण परमहंस की, ये जो मिश्रण है वो किस तरीके का संदेश यहाँ से देगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक रामकृष्ण परमहंस की बहुत बड़ी फॉलोइंग है अगर माना जाए तो पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में, और ऐसे इन मंदिरों के दर्शन करके उन लोगों को भी संदेश देना है जो इनके भक्त हैं। तो जाहिर तौर पर एक जो चुना गया है, जिन प्रतीक चिन्हों को चुना है अमित शाह ने इन तमाम जगहों के दौरे के लिए, तो वो यही संकेत दिलाता है कि वो बंगाल की संस्कृति, बंगाल के विकास में जो रुकावटें आई हैं और बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, इन तमाम चीजों पर अमित शाह का फोकस है दो दिनों में, और यही बिल्डअप आने वाले दिनों में लगातार बीजेपी करती रहेगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं जिनको बंगाल का प्रभार सौंपा गया है और अमित शाह इसीलिए मिशन बंगाल पर करने निकले। जी अमिताभ जी, अब कितनी देर तक यहाँ पर रुकेंगे, आपके पास क्या जानकारी, और उसके बाद का जो कार्यक्रम रहेगा किस तरीके से रहेगा अमित शाह का? देखिए इसके बाद तो उनकी पूरी तैयारी है, उन हिंदू शरणार्थियों के घर जाकर भोजन करने की, जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश आए थे आज़ादी के बाद उनके साथ भोजन करके, वो काफ़ी 2 से 2.5 करोड़ की उनकी आबादी है पूरे बंगाल में, उनकी सिटीजनशिप को लेकर काफ़ी सवाल उठते थे, उनकी सिटीजनशिप का बहुत रह गई थी, और शायद अमित शाह इसीलिए उस कम्युनिटी को से मिलना चाहते हैं, उनके साथ भोजन करना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके साथ हैं। ये कम्युनिटी कम से कम 60 से 70 विधानसभा सीटों पर प्रभाव छोड़ सकती है, जीत दिला सकती है, तो एक बहुत बड़ा तबका है। कल आपने देखा आदिवासी समाज के साथ, समुदाय के साथ अमित शाह बैठे थे, खाना खाया था, बिरसा मुंडा का माल्यार्पण किया, आज इस समिति के साथ, इस समुदाय के साथ भी बैठेंगे, तो जाहिर तौर पर एक सोची समझी रणनीति है। उसके साथ साथ रामकृष्ण परमहंस की जो परंपरा, विरासत और संस्कृति और जो 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 भक्ति है वो अगर मिल रहा है तो ये तो सोने में सुहागा वाली बात होती है। जी अमिताभ जी, जब आपने अमित शाह से बात की थी तो जो राजनीतिक हत्याएं बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई है उसका भी जिक्र किया गया था, अब कार्यकर्ताओं में क्या वो उत्साह पैदा हुआ है, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती रही कि 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जान जा चुकी है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें राज्य सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई ही नहीं है। ऐसे में चुनाव में जाने से पहले कार्यकर्ताओं का उत्साह होना बहुत जरूरी है, जब अमित शाह पहुंचे हैं तो क्या वो उत्साह वापसी हुई है या वो भय जो लगातार पिछले दिनों में इस तरह की राजनीतिक हत्याओं से बना हुआ है वो अभी भी व्याप्त है? देखिए कल दो चीजें उन्होंने कही अमित शाह से, हमने इंटरव्यू में भी कल पूछा था कि क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहेगा, यहाँ बहुत हिंसा होती है, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, बड़े नेता चले जाएंगे, फिर इन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो सड़क पर आपके लिए आज यहाँ पर खड़ा है? तो उन्होंने यही कहा था कि बीजेपी किसी से डरने वाली नहीं है, ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता किसी से डरेगा, और वो पूरे दमखम के साथ आगे राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, और शायद, और उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए इनका मनोबल बढ़ाने और इनको ये आश्वासन देने आया हूँ कि आलाकमान भी उनके साथ है, और शायद यही कारण है कि जो सड़क पर भी निकले, काफी भीड़ भाड़ थी सड़क पर उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, तो एक बांकुरा जैसे आदिवासी इलाके में पहुंचना और ये संदेश देना कि हम यहाँ से शुरुआत करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी
चलिए शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप लगातार वहां बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आशिका हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई है दक्षिणेश्वर काली मंदिर से, जहां पर इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं। आशिका वहां से अब क्या अपडेट, क्योंकि जिस तरीके से अमिताभ जी बता रहे कि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका विश्वास है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनकी विचारधारा को लेकर, यानी अगर यहां से संदेश जाता है तो एक बहुत बड़ी आबादी सधेगी। बिल्कुल गायत्री, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक बहुत ही बड़ा नाम है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, उनकी श्रद्धा उनकी आस्था से जुड़े हुए एक नाम है। तो ये मंदिर बहुत ही खास, उनका आना जो है ये संदेश देता है आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, और बंगाल की जनता के दिल तक पहुंचने का ये रास्ता है। हर रास्ता अमित शाह जो है इख्तियार कर रहे हैं, चाहे मतुआ समुदाय हो, आदिवासी समुदाय हो, ये वो सर्वहारा वर्ग है जिन बहुत समय तक जिन्होंने कष्ट सहा है, उनका साथ देना, उनसे मुलाकात करना, इस दो दिन की बैठक में ही ये सब कुछ समेट करके और पश्चिम बंगाल की संस्कृति से जुड़ाव ये अमित शाह का देखने को मिल रहा है। आप लगातार देख रही हैं तस्वीरों में, ये शंख की ध्वनि मैं आपको सुनाना चाहूँगी, ये विशेष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए है। अभी अंदर जो है वो पूजा अर्चना चल रही है, महापूजा चल रही है माँ काली की, और माँ काली की आराधना में जो है गृह मंत्री अमित शाह मंदिर के अंदर हैं, साथ ही काली माँ के अलावा वहाँ पर शिवलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 शिवलिंग हैं ज्योतिर्लिंगों के नाम पर हैं, उनका स्वरूप है, वहाँ भी अपना सिर नवाएंगे। उलूक ध्वनि में आपको रुक करके और शंख ध्वनि सुनाना चाहूँगी। विशेष तौर पर ये बंगाल की खासियत है, परंपरा है यहाँ कि इसकी आवाज़ आप अगर सुने, ये विशेष तौर पर मंदिर के प्रांगण में शंखनाद और उलूक ध्वनि के जरिए जो है अमित शाह का स्वागत किया गया, और अब भी जब अमित शाह यहाँ से इसी रास्ते वापस निकलेंगे तो भी शंखनाद की ध्वनि के बीच में ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। शंख, हर घर से शंख की आवाज़ बंगाल में आती है, हर शाम आती है, और शुभ का परिचायक है ये, जो उलूक ध्वनि मुंह से निकालती हैं महिलाएं, ये भी जो है ये शुभ का परिचायक है। कोई भी पूजा हो, शुभ कार्य हो, उसमें ये उलूक ध्वनि ज़रूर सुनने को मिलती है। तो महिलाओं को जो है वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं अमित शाह के स्वागत के लिए, और दर्शन के बाद अब अमित शाह यहाँ बाहर आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में। आप जो है तस्वीरों में देख सकती हैं, अमित शाह जो है वो बाहर दर्शन करके आ चुके हैं, अब मीडिया से मुखातिब होंगे, यहाँ पर बात करेंगे, और यहाँ पर जो भी पूजा करीब 10 मिनट का समय होगा जो अंदर उन्होंने बिताया है, अब सीधे मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं अमित शाह। आज मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहाँ से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूँ, जब भी आया यहाँ से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापिस गया हूँ। ये बंगाल की महान भूमि, चैतन्य महाप्रभु स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है, और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से
बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आज माँ काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी माँ काली के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। तो अमित शाह मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि यहां राज्य में जिस तरीके की तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है, अब वक्त आ चुका है कि बंगाल फिर से अपने पारंपरिक दौर में वापस लौटे, और वो संभव है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों पहले अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली माँ के दर्शन किए हैं, और अब प्रांगण में अमित शाह, जहां वो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि मैं अक्सर दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जहां से कई महान हस्ती ऊर्जा लेकर निकले हैं, मैं जब भी यहां पर पहुंचता हूं अक्सर ऊर्जा लेकर लौटता हूं, और एक बार फिर मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचा हूं और यहां से ऊर्जा लेकर लौट रहा हूं। साथ ही कई महापुरुषों का उन्होंने जिक्र किया, चाहे बात स्वामी विवेकानंद की हो, रामकृष्ण परमहंस की हो, उनका जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि एक बार फिर पश्चिम बंगाल अपने पारंपरिक सांस्कृतिक दौर में वापस लौटेगा। अमित शाह का यह दो दिवसीय दौरा, कल जब उन्होंने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी थी, वहां से अपने दौरे की शुरुआत की थी, और आज जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मेरे दौरे का दूसरा दिन है और आज मैं इस दौरे की शुरुआत दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के साथ कर रहा हूं।